अगली सुबह तोस एक फ्यूल टैंक से होकर गुजर रहा था, तभी वहां पर डॉक्टर शून के पिता भी अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए आते हैं। उन्हें फ्यूल भरवाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो दोसिक उन्हें मदद करने के लिए उनके पास आता है। हालांकि वो उनकी मदद भी करता है, लेकिन उन्हें दोसिक का बिहेवियर और उसकी बोलचाल उन्हें अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ जॉगिंग से लौटते वक्त डॉक्टर यून को एक व्हाइट गाड़ी के बगल में नामसुक मिल जाती है। जैसे कि हम सबको पता है कि नामसुक को गांव की हर मसालेदार खबर के बारे में पता रहता है, तो उसको इस बात का भी खबर था कि कल रात डॉक्टर शून ने खुले में दोसिक को काफी देर तक टाइट हक करा है। वो डॉक्टर शून से इस बारे में बात करती है, साथ ही साथ उसे दोसिक का नाम लेकर चिढ़ाती भी है। और जाते जाते वो उसे ये भी कहती है कि तुम बेफिक्र हो क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। खैर, डॉक्टर शून जब मुड़कर देखती है तो वो व्हाइट गाड़ी वहां से जा चुका था और उसके सामने खड़ी थी उसके अप्पा और उसकी सौदेली अम्मा। डॉक्टर शून उन दोनों को अपने सामने देकर थोड़ी सी चौंक जाती है क्योंकि वो दोनों उसे बिना कुछ बताए वहां पर आ गए थे। घर पर आने के बाद जब उसके पिता बाथरूम जा रहे थे तो अचानक दोसिक बाथरूम के अंदर से निकलता है, जिसे देखकर उसके पिता चौंक जाते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर शून भी, क्योंकि अब उसके पिता एक मर्द को उसके घर पर देखकर जरूर गुस्सा करेंगे। दरअसल दोसिक बाथरूम में खराब पड़े नल को ठीक करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन डॉक्टर शून उसे कहती है कि दोसिक तुम अभी यहाँ से जाओ, और वो वहां से जा भी रहा था। लेकिन डॉक्टर शून के पिता दोसिक ये नाम सुनने के बाद उसे रोक लेते हैं और गुस्से में उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछते हैं, क्या तुम ही दोसिक हो? मेरी बेटी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और कल रात तुम दोनों क्या कर रहे थे? जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी गाड़ी के पीछे से नामसुक और डॉक्टर शून की सारी बातें सुन लिया होगा, वरना वो इस तरह से दोसिक से भला सवाल क्यों करते। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। और जब आप पूछ रहे हो कि आप इतने लेट लेट वीडियो क्यों अपलोड करते हो, यही वजह है, आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो बंदे को कैसे मोटिवेशन आएगा कि वो वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, प्लीज केयर। हालांकि डॉक्टर शून उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पिता कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए दोसिक को उनसे अपनी हाथ छुड़वाने के लिए मजबूरन कहना पड़ता है कि हाँ, मैं ही डॉक्टर शून का बॉयफ्रेंड हूँ और ये बात गांव में सबको पता है। डॉक्टर शून के पिता को दोसिक पहली मुलाकात से ही पसंद नहीं था और अब ये सारी बात जानने के बाद अपनी बेटी के लिए वो और भी परेशान रहने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि दोसिक उनकी बेटी के लिए सही लड़का नहीं है। इधर डॉक्टर शून दोसिक को थैंक यू कहती है कि तुमने सब कुछ संभाल लिया, वरना मेरे फादर और भी तमाशा खड़ा करते। जिस पर दोसिक उसे कहता है कि मैं ये सब फ्री में नहीं करूंगा, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर है तब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस चीज के लिए मुझे पे करोगी। डॉक्टर शून भी सिचुएशन को देखकर इस बात के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर शून के पिता दोसिक से सवाल करते हैं कि तुम काम क्या करते हो, तो दोसिक कहता है कि वो गांव के हर तरह की पार्ट टाइम जॉब्स कर लेता है। ये सुनकर डॉक्टर शून के पिता और भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि यानी कि तुम बेरोजगार हो, और वो डॉक्टर शून पर भी गुस्सा करते हैं कि तुम इस तरह की लड़की से कैसे प्यार कर सकती हो। डॉक्टर शून कहती है कि दोसिक एक अच्छा लड़का है, दिखने में भी सुंदर है, और जहाँ तक कमाई की बात है तो मैं महीने में अच्छा खासा इनकम कर लेती हूँ, तो दोसिक को पैसे कमाने की क्या जरूरत, हम लोग साथ में खुश रहेंगे। इससे पहले कि उसके पिता कुछ और कह पाते, डॉक्टर शून की सौतेली माँ उन्हें रोकते हुए कहती है कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए और आपको बच्चों के साथ इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। अगली सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर शून उन दोनों को अपनी क्लिनिक दिखाने के लिए ले जा रही थी और उनके साथ दोसिक भी था। रास्ते में उन्हें गांव के दूसरे लोग भी मिलते हैं जो डॉक्टर शून के पिता के सामने उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और खासकर वो लोग दोसिक की बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं। दरअसल पहले से ही दोसिक ने इन सबको पूरी सिचुएशन के बारे में मैसेज कर दिया था ताकि आगे चलकर कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इधर ली सिंह को भी इस बात की खबर लग जाती है। इधर मैसर बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी तभी चोयन चुल वहां से गुजरता है। दरअसल वो किसी के लिए खाना लेकर जा रहा था, वो मेसन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। हालांकि यहाँ पर मेसन चोयन चुल के बगल में बैठना चाहती थी, लेकिन फर्स्ट सीट पर काफी सारा खाना था इसीलिए उसे मजबूरन पीछे बैठना पड़ता है। इस दौरान चोयन चुल किसी को रूल ब्रेक करते हुए देखता है, इसलिए वो उसका चालान काट कर उसे पनिशमेंट देता है। गाड़ी में आने के बाद मेसन उसे बोलती है कि इस लिहाज से तुम्हें भी तो पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा दिल चुराया है। ये सब सुनकर चोयन चुल थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे जानती ही कितना हो,
जो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। भले ही मैं आज के जमाने का हूँ, लेकिन इस मामले में मेरे ख्याल तुमसे बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही दो चार मुलाकातों में किसी से प्यार हो सकता है या हम किसी की अच्छाई या बुराई के बारे में जान सकते हैं। ये सुनकर मेसन का दिल टूट जाता है और वो कुछ काम का बहाना देकर उसकी गाड़ी से तुरंत ही उतर जाती है। वो सब दादी के घर के बगल से होते हुए गुजरते हैं जहाँ पर ली सेंग की शूटिंग चल रही थी। अभी ली सेंग भी दौड़ता हुआ उनके पास आता है और डॉक्टर ह्यून के माता पिता के साथ काफी अच्छे से पेश आता है। यहाँ पर डॉक्टर ह्यून की सौतेली माँ ली सेंग को पहचान जाती है कि वो एक जाना माना एंकर और डायरेक्टर है। ये जानने के बाद डॉक्टर ह्यून के पिता उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ली सेंग उन्हें अपनी शूटिंग सेट पर ले जाता है। यहाँ पर बातें करते हुए ली सेंग बार बार डॉक्टर ह्यून के पिता को डैड कहकर बुला रहा था क्योंकि वो उन्हें अपना ससुर बनाना चाहता था। डॉक्टर ह्यून के पिता को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो भी उसकी पोजीशन से पहले ही इम्प्रेस हो चुके थे। खैर, यहाँ से जाते वक्त ली सेंग दूसरी को रोकते हुए कहता है कि ज्यादा कैरेक्टर में घुसने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे काम के सही दाम मिल जाएंगे। इस पर दोस्ती उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि आज मैं ऑफिशियली डॉक्टर ह्यून का बॉयफ्रेंड बना हूँ, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्लिनिक में जाने के बाद डॉक्टर ह्यून के पिता को पता चलता है कि दोस्ती काफी इंटेलिजेंट है और उसे दुनिया भर की चीजों के बारे में नॉलेज है। अगली सीन में वो सब मिस हुआ जिनके रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जाते हैं। अब तक दोस्तिक उन्हें अपनी बातों से थोड़ा तो इम्प्रेस कर ही चुका था और वहाँ पर एक कोरियन ट्रेडिशनल गेम था जिसे खेलने के लिए बहुत तेज दिमाग की जरूरत होती है। वो दोस्तिक के साथ उस गेम को खेलते हैं और दोस्तिक उन्हें बड़े ही आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ मिस्टर चेंग जो हुई को अपने साथ होटल पर ले जाता है। नामसुक पहले से ही उस होटल में मौजूद थी और वो उन दोनों की फोटो क्लिक करके मिस वाज उनको भेज देती है। इधर मिस्टर चेंग जो हुई से अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करना शुरू करते हैं, लेकिन जो हुई उनकी बात को काटते हुए कहती है कि तुम मुझे पहले पसंद तो थे पर मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ और हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह ही रह सकते हैं। ये सुनते ही मिस्टर चेंग उदास हो जाते हैं। इधर खाना खाते हुए दोस्तिक डॉक्टर ह्यून के पिता को मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि दोस्तिक से गेम हारने के बाद वो फिर से उससे नाराज हुए बैठे थे, लेकिन दोस्तिक उन्हें मीठी मीठी बातें बोलकर उनके साथ दोस्ती कर लेता है और उन्हें अपने हाथों से भी खाना खिलाता है। यहाँ पर डॉक्टर ह्यून को दोस्तिक का इस तरह से उसकी अम्मा और अप्पा का ख्याल रखना अच्छा लग रहा था और वो मन ही मन खुश हो रही थी। एक पल के लिए उसके मन में ये बात तक आ जाती है कि काश दोस्तिक सच में हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाता तो कितना अच्छा रहता। कुछ देर बाद डॉक्टर ह्यून के पापा दोस्तिक से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। ये सुनते ही डॉक्टर ह्यून टॉपिक चेंज करने लगती है क्योंकि उसे पता है कि दोस्तिक जब ये बात बताएगा कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन दोस्तिक उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि एक एक्सीडेंट में उसकी मम्मी पापा गुजर गए हैं। ये सुनते ही डॉक्टर ह्यून के पिता का चेहरा उतर जाता है, इसलिए दोस्तिक बाथरूम का बहाना मारकर वहां से नीचे चला जाता है। अब डॉक्टर ह्यून के पिता उसे तुरंत ही दोस्तिक से ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो एक अनाथ को अपनी दामाद बनते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन डॉक्टर ह्यून तुरंत ही दोस्तिक को डिफेंड करते हुए कहती है कि किसी की माँ बाप के गुजर जाने में उस बच्चे का क्या कसूर होता है, अगर ऐसा होता है तो मैं भी कसूरवार बनूंगी क्योंकि मेरी भी तो माँ नहीं है। अब डॉक्टर ह्यून के पिता वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि दोस्तिक सीढ़ियों पर खड़ा है, यानी कि दोस्तिक ने उनकी सारी बातें सुन लिया होगा। फिर भी वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से गुजर जाते हैं। दोस्तिक भी उनके पीछे पीछे जाता है। उन दोनों के बीच काफी सारे बातें होती है और यहाँ पर डॉक्टर ह्यून के पिता दोस्तिक से अपनी कड़वी बातों के लिए माफी भी मांगते हैं। वो दोस्तिक को कहते हैं कि मुझे ये सब बातें बोलना नहीं चाहिए था। दरअसल डॉक्टर ह्यून की माँ की मृत्यु के बाद अपने बच्चे को संभालने की वजह वो शराब के नशे में धुत रहते थे और तब डॉक्टर ह्यून का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। वो डॉक्टर ह्यून का ख्याल रख पाते उससे पहले ही डॉक्टर ह्यून बड़ी हो चुकी थी और अब वो ये चाह रहे थे कि डॉक्टर ह्यून की शादी एक ऐसे परिवार में हो जहाँ पर सब उसका ख्याल रख सके और उसे कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। वो दोस्तिक से पूछते हैं कि तुम सच में मेरी बेटी को प्यार करते हो, उसे पसंद करते हो। इस पर दोस्तिक उन्हें सारी बातें बता देता है। हाँ, मैं डॉक्टर ह्यून को पसंद तो करता हूँ, लेकिन एक दोस्त के नजरिए से। मैं उनका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ह्यून को एक ऐसा जीवन साथी मिले जो हरदम उनका साथ दे, जिसे डॉक्टर ह्यून भी प्यार करती हो। ये सुनकर डॉक्टर ह्यून के पिता थोड़े से शॉक हो जाते हैं
और कहते हैं कि शायद वो शख्स तुम ही हो, क्योंकि अब तक मैं तुम्हें जितना जान पाया हूँ तो वो इंसान तुम ही हो जिसके साथ मेरी बेटी खुश रह सकती है। और रही यून की बात, तो वो भी तुमसे प्यार करती है, तुमने सुना नहीं तुम्हें अनाथ बोलने पर वो किस तरह से तुम्हारा पक्ष लेने लगी। खैर, इन दोनों की बातों से पता चल रहा था कि डॉक्टर शून के पिता दोस्ती को अच्छी तरह से समझने लगे थे और वो उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे। गांव से जाते वक्त वो दोस्ती को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, जिसे डॉक्टर शून ही सोचकर खुश हो रही थी कि उन दोनों की नाटक को किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन सच बात तो दोस्ती ने उसके पिताजी को बता दिया था। घर आने के बाद डॉक्टर शून को मेसन के टूटे हुए दिल के बारे में पता चलता है और वो उसे संभालने लगती है। खैर, अगले दिन ली सिंह का शूटिंग खत्म होने वाला था और वो गांव से वापस शहर जाने वाला था, इसलिए तोसिक उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर बातें करते हुए ली सिंह तोसिक से जलन के मारे पूछता है, क्या तुम सिर्फ पैसों के लिए डॉक्टर यू के बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे थे? तो तोसिक कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ पैसों के लिए ही डॉक्टर शू के बॉयफ्रेंड बना था। लेकिन असल बात ये था कि डॉक्टर शून और उसके माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करके तोसिक को खुशी मिला। यहाँ पर ली सिंह बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल चुके हैं तो तुम अभी भी ऐसे क्यों जता रहे हो जैसे कि तुम डॉक्टर शून के सचमुच के बॉयफ्रेंड हो। तोसिक ली सिंह की जलन को समझ जाता है और उसे और भी जलाने के लिए बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों सचमुच के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। दूसरी तरफ मेसन को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए वो तुरंत ही उनके पास जाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर डॉक्टर यून भी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन मेसन उसे क्लिनिक बंद करके आने के लिए रोकती है। उसको टैक्सी लेकर बस स्टॉप के लिए निकल पड़ती है। अंजुल भी उसे हड़बड़ी में जाते हुए देख लेता है और डॉक्टर यून से सारा माजरा जानने के बाद वो खुद अपनी गाड़ी लेकर मेसन को पिक करने के लिए बस स्टॉप पहुंच जाता है और वो मेसन को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके साथ ही उसकी माँ को देखने के लिए चला जाता है। इधर रात को ली सिंह की शूटिंग खत्म होने की वजह से वो वापस शहर लौट रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगले हफ्ते वो डॉक्टर यून से मिलने के लिए आएगा और तभी वो डॉक्टर यून को प्रपोज भी कर देगा। लेकिन अचानक उसे दोपहर में हुई उसकी और दूसरे की बातचीत याद आती है। फिर वो अपनी गाड़ी का यू टर्न मारता है और फिर से गांव की तरफ निकल पड़ता है। इधर दोसिक डॉक्टर शून के पिता की बातों को सुनने के बाद रास्ते में जाते हुए ये डिसाइड करता है कि वो आज डॉक्टर शून को सारी सच्चाई बता देगा कि उसके दिल में डॉक्टर शून के प्रति क्या है। क्लिनिक से घर लौटते हुए डॉक्टर शून भी उसकी और दोसिक की मुलाकातों को याद करके मुस्कुरा रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पूरा लव ट्रायंगल में बदल रहा है। दोसिक और ली सिंह दोनों ही मिलकर डॉक्टर शून को प्रपोज करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होगा?